उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर एम नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा किया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति विनीत सरन की एक पीठ ने कहा कि एक पूर्णकालिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के बाद अब किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की एक याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसने राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिका में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शक बनाने की अपील की गई थी। अदालत ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को और पारदर्शक बनाने के लिए गाइडलाइन जारी करने से इनकार किया। अदालत ने कहा चूंकि सीबीआई अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, इसलिए हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला ने 4 फरवरी को निदेशक के तौर पर सीबीआई का प्रभार संभाला था। इस केस से 3 जजों ने खुद को तटस्थ किया था। सबसे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने केस से खुद को ये कहकर अलग किया था कि वे नियुक्ति के लिए गठित कमेटी के सदस्य थे। इसके बाद पिटीशन जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखी गई। तब जस्टिस सीकरी ने खुद को केस से अलग किया। उन्होंने ये दलील दी थी कि वो इस कमेटी के सदस्य थे जिसे आलोक वर्मा के बतौर सीबीआई चीफ के रूप में उपयुक्तता तय करने के लिए गठित किया गया था, इसलिए वे केस से खुद को अलग कर रहे हैं। फिर ये केस जस्टिस एनवी रमना के पास पहुंचा। उन्होंने भी इस केस से खुद को ये कहते हुए तटस्थ किया था कि वे नागेश्वर राव को निजी तौर पर जानते थे। इसके बाद केस न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति विनीत सरन के पास पहुंचा, जहां पर उन्होंने ये फैसला दिया कि अब किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।